प्रिय बच्चों, मैं दीप बहादुर सिंह, जीव विज्ञान प्रवक्ता, पनियरा इंटर कॉलेज, पनियरा बाजार, महाराज में आज आप लोगों को यूट्यूब के माध्यम से कक्षा 10 के विज्ञान विषय के जीव विज्ञान भाग से जैव प्रक्रम के टॉपिक्स में श्वसन तथा श्वासोच्छ्वास के विषय में अध्ययन करवाएंगे। प्रिय बच्चों, यह कक्षा 10 के विज्ञान विषय के जैव प्रक्रम लेसन से श्वसन तथा श्वासोच्छ्वास टॉपिक्स पर अध्ययन करवा रहे हैं। प्रिय बच्चों, यह टॉपिक्स एक ऐसा टॉपिक्स है जो जैव प्रक्रम के अंतर्गत आता है। इसमें जो श्वसन है, इसको इंग्लिश में हम रेस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग कहते हैं। सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि यह श्वसन क्या है या श्वसन किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है। तब फिर श्वासोच्छ्वास किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है, इसके विषय में अध्ययन करवाएंगे। प्रिय बच्चों, इस जैव प्रक्रम के श्वसन टॉपिक्स में हम देखते हैं कि श्वसन की परिभाषा क्या है, अर्थात यह श्वसन किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है। प्रिय बच्चों, ऑक्सीजन को लेने तथा CO2 को छोड़ने के फलस्वरूप जो ऊर्जा मुक्त होती है उसे हम श्वसन कहते हैं। क्योंकि यह श्वसन की क्रिया सभी सजीव जीव जंतुओं में होता है, अर्थात इनहेल ऑफ O2 एंड आउटपुट ऑफ CO2 एंड देन रिलीज ऑफ एनर्जी नोन एज रेस्पिरेशन, अर्थात ऑक्सीजन को लेने तथा कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने के फलस्वरूप जो ऊर्जा मुक्त होती है उसे हम श्वसन कहते हैं। प्रिय बच्चों, ये श्वसन दो प्रकार का होता है। पहला आपसी श्वसन, आपसी श्वसन जिसे एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं तथा दूसरा अनाक्सी श्वसन
जिससे एना एरोबिक रिस्पायरेशन करते हैं। प्रिय बच्चों, ये जो आपसी श्वसन है इसे एरोबिक रिस्पायरेशन भी कहते हैं और जो अनआपसी श्वसन है इसे एना एरोबिक रिस्पायरेशन भी कहते हैं। अब हम आपको अध्ययन करवाएंगे आपसी श्वसन के। यह आपसी श्वसन इस श्वसन के प्रकार में जो आपसी श्वसन है इस आपसी श्वसन के विषय में आपको अध्ययन करवाएंगे। प्रिय बच्चों, यह आपसी श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, अर्थात इस प्रकार के श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये जीव जो आपसी श्वसन वाले जीव होते हैं वे मर जाते हैं, अर्थात यह उच्च कोटि के हायर वर्टिब्रेट अर्थात उच्च कोटि के कशेरुकी तथा उच्च कोटि के अकशेरुकी नॉन वर्टिब्रेट्स एनिमल में होता है, अर्थात इस प्रकार के श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये जीव जो उच्च कोटि के कशेरुकी उच्च कोटि के कशेरुकी और उच्च कोटि के अकशेरुकी जंतु श्वसन नहीं कर पाते, इसलिए इन्हें आपसी श्वसन कहते हैं, अर्थात ऐसे श्वसन को आपसी श्वसन कहते हैं। प्रिय बच्चों, अब अनआपसी श्वसन क्या है, यह किस प्रकार होता है? अनआपसी श्वसन एना एरोबिक रिस्पायरेशन में, अर्थात इस प्रकार के श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी इस प्रकार के जंतु जैसे लोअर नॉन कार्डियक अर्थात निम्न श्रेणी के अकशेरुकी एनिमल में इस प्रकार का श्वसन होता है, अर्थात निम्न कोटि के अकशेरुकी प्राणी अपनी त्वचा द्वारा नमी को अवशोषित करके लैक्टिक एसिड का निर्माण करते हैं और ये लैक्टिक एसिड का निर्माण जब हो जाता है इनको लैक्टोज मिल जाता है और इन लैक्टोज से डाइसैकेराइड मिल जाती है और जब डाइसैकेराइड इन्हें मिल जाता है तो ये एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। अतः हम कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स एक प्रकार की ऊर्जा है जो कार्बन हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। इसमें कार्बन
हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात 1.2.1 के अनुपात में होता है और ये तीन प्रकार के होते हैं मोनोसैकेराइड जिसे मोनोसैकेराइड दूसरा डाइसैकेराइड तीसरा पॉलीसैकेराइड। प्रिय बच्चों इस प्रकार ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इन जंतुओं को ऊर्जा प्राप्त हो जाती है इसलिए इस प्रकार के श्वसन को अनाक्षी श्वसन कहते हैं। अब हम आपको श्वसन अंगों के विषय में अध्ययन करवाएंगे। रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स श्वसन अंग क्या है? रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स क्या है? श्वसन अंग क्या है? प्रिय बच्चों अभी तक आपने श्वसन किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार का होता है का अध्ययन किया, जैसे ऑक्सीजन को लेने और CO2 को छोड़ने के फलस्वरूप जो ऊर्जा मुक्त होती है उसे श्वसन कहते थे। और ये श्वसन दो प्रकार का होता है, पहला आपसी श्वसन तथा दूसरा अनापसी श्वसन। आपसी श्वसन में आपको हमने बताया किस प्रकार के श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये जीव श्वसन क्रिया नहीं कर पाएंगे और जीवित नहीं रह पाएंगे। अनापसी श्वसन में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी इन्हें ऊर्जा की प्राप्ति हो जाती है, अर्थात ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये निम्न कोटि के अकशेरुकीय जंतु अपनी त्वचा द्वारा लैक्टिक अम्ल का फॉर्मेशन कर लेते हैं और लैक्टिक अम्ल से इन्हें लैक्टोज मिल जाता है और लैक्टोज एक प्रकार का डाइसैकेराइड था और वो डाइसैकेराइड एक प्रकार कार्बोहाइड्रेट है, एक ग्रुप है और कार्बोहाइड्रेट आप जानते हैं कि एक प्रकार की ऊर्जा है जो कार्बन हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। इसमें कार्बन हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात 1:2:1 के संबंध में होता है। प्रिय बच्चों अब हम आपको रिस्पायरेटरी ऑर्गन श्वसन अंग के विषय में अध्ययन करवाने जा रहे हैं। प्रिय बच्चों श्वसन अंग जो सबसे महत्वपूर्ण श्वसन अंग है वह हमारा लंग्स है, फेफड़े हैं, लेकिन डायरेक्ट फेफड़े से ही श्वसन की क्रिया संपन्न नहीं हो पाएगी, इसलिए नेचर ने प्रकृति ने हम लोगों में श्वसन की क्रिया को पूर्ण करने के लिए हमारे शरीर में निम्न श्वसन अंगों का के विषय में अध्ययन किया है। जैसे यह श्वसन अंग है जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट पहला होता है नोज, जैसे नाक कहते हैं। दूसरा होता है एपिग्लॉटिस जिसे घाटी द्वार
कहते हैं। तीसरा होता है ट्रेकिया, ट्रेकिया जिसे श्वास नाल कहते हैं। और चौथा होता है लंग्स जिसे फेफड़े कहते हैं, इसी को ट्रेकिया कहते हैं। ये लंग्स होता है, ये पैराइटल पूरा होता है, पैराइटल लिवर को श्वास ना इसको फेफड़े इसको फुफ्फुस आवरण और ये इस फेफड़ों के बीच में तरल द्रव भरा होता है। उस द्रव को फ्लूइड जिसे फुफ्फुस द्रव कहते हैं, ये भरा होता है। प्रिय बच्चों, ये सबसे पहला रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो मूल है नाक है, वो चेहरे के ऊपर दो छिद्रों दाएं एवं बाएं में अभी विभक्त रहता है। इसमें पतले पतले हेयर के समान संरचनाएं पाई जाती हैं जिसे रोम या बाल कहते हैं। ये रोम या बाल डस्ट पार्टिकल्स या वेस्ट प्रोडक्ट को रोकने का कार्य करते हैं। जो एपिग्लॉटिस दूसरा श्वसन अंग है, ये श्वसन अंग जो भी श्वास नाल और आहार नाल को ढकने का कार्य करता है और आपके आवश्यकता के अनुसार खुलने का भी कार्य करता है। तीसरा पार्ट होता है श्वास नाल या ट्रेकिया। ये श्वास नाल एक पाइप के समान संरचनाएं होती हैं। इस श्वास नाल में या इस पाइप के समान संरचनाओं में सी सेल सी के आकार के रिंग अर्थात वलय पाए जाते हैं। जो ये सी के आकार के वलय पाए जाते हैं जो इस पाइप को पिचकने से रोकने का कार्य करते हैं। प्रिय बच्चों, फोर्थ ऑर्गन या फोर्थ चौथा रेस्पिरेटरी ऑर्गन है लंग्स, जो मनुष्य के श्वसनांगों में एक जोड़ी पाए जाते हैं जो दाएं एवं बाएं लेफ्ट एंड राइट दोनों भागों में विभक्त रहते हैं। इन फेफड़ों के चारों तरफ एक फुफ्फुस आवरण पाया जाता है जिसे पैराइटल प्लूरा कहते हैं, तथा इन पैराइटल प्लूरा के अंदर एक तरल पदार्थ भरा होता है जिसे फुफ्फुस द्रव कहते हैं। ये फुफ्फुस द्रव जब दोनों फेफड़ों को आपस में रगड़ से मचाने का कार्य करते हैं। कभी कभी धूम्रपान या डस्ट पार्टिकल्स या वेस्ट प्रोडक्ट के नाक के माध्यम से नाटी द्वार से होते हुए श्वास नाल से होते हुए फेफड़े तक पहुंचने पर ये फुफ्फुस द्रव का तरल कहीं न कहीं इकट्ठा हो जाता है। तो ये फ्लोरिसिंग जिसे फुफ्फुस आवरण सोच की बीमारी उत्पन्न कर देते हैं। इस बीमारी का प्रमुख निदान बाह्य ऑपरेशन जिसे
जिसे शल्य चिकित्सा कहते हैं, केवल इसी शल्य चिकित्सा के माध्यम से इस तरल पदार्थ को निकाल दिया जाता है और पुनः फिर ये फ्लोरिसी अर्थात फुटफुस आवरण स्रोत की बीमारी ठीक हो जाती है। प्रिय बच्चों, आज के इस वीडियो तक हमने श्वसन किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है तथा श्वसन अंगों के विषय में अध्ययन करवाए। अब अगले वीडियो में श्वासोच्छ्वास किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है, इसके विषय में अध्ययन करवाएंगे।